नमो नारायण दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है पति को वश में कैसे करें। पांच लोगों से करें पति का वशीकरण, उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं। जो महिलाएं चाहती हैं अपने पति का वशीकरण करना, जो महिलाएं चाहती हैं अपने पति को अपना गुलाम बनाना, अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाना, वो महिलाएं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे ऐसा वशीकरण टोटका जो आपने कभी ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। आज वो परेशान महिलाएं अपनी समस्या का हल निकाल सकती हैं इस वीडियो के द्वारा। आज आप एक चमत्कारी वशीकरण टोटका जान सकती हैं। हमारा आज का वीडियो उन घरेलू महिलाओं के लिए है जो अपने पति को वश में करना चाहती हैं। जो महिलाएं YouTube पर सर्च करती हैं पति को वश में कैसे करें, पति को वश में करने का वशीकरण मंत्र, आज आपकी सर्च इस YouTube में आकर खत्म हो गई है। आज के बाद आपको YouTube पर सर्च करना नहीं पड़ेगा। आज के बाद आपका पति आपका गुलाम बन जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। अगर आप भी चाहती हैं अपने पति का वशीकरण करना, तो आपको शनिवार के दिन ये टोटका करना होगा। आपने शनिवार के दिन क्या करना होगा, एक सफेद कागज लेना है और पांच आपने लौंग लेनी है। देखिए जो इस तरह से मैंने कागज पे रखी हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5, एक आपने धूप लेनी है और उसको जला देना है। मैंने पहले से ही जला हुआ था इसको। आपका पति आपके वश में हो जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा, आपके कहे अनुसार चलने लगेगा, आपका दीवाना बन जाएगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जिन महिलाओं का पति किसी सौतन के पीछे दीवाना हो गया है, वो महिलाएं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन महिलाओं का पति उनके वश में नहीं रहा, रात को घर पर लेट आता है, दारू पीकर आता है, उनको मार पीटता है, वो महिला इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन महिलाओं का पति उस अपनी माँ की बात सुनता है, उसकी बात नहीं सुनता, तो आपको क्या करना है शनिवार के दिन, आपने क्या करना है, पांच लौंग लेकर आपने अपनी मुट्ठी में रख लेनी है इस प्रकार से जैसे मैंने रखी हुई है। देखिए पांच लौंग आपने मुट्ठी में रखकर अपने पति का 21 बार नाम लेते हुए धीरे धीरे इस मुट्ठी को बंद कर लेना है। ऐसे जैसे मैंने की है मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी को बंद कर लेना है और आपने वशीकरण मंत्रा का जाप करना है 108 बार। 108 बार आप वशीकरण मंत्र का जाप करेंगी तो आपकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। जब मुट्ठी में पसीना आ जाए तो धीरे धीरे आप इस पर 7 बार फूंक लगाएं और इस मुट्ठी को ऐसे खोल दीजिए। उसके बाद आप अगले दिन सुबह उठकर ये पांच लोग चाय, दूध, मिठाई या खाने में मिलाकर अपने पति को खिला पिला दें। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात मानने लगेगा, आपके वश में हो जाएगा, आपके कहे अनुसार चलने लगेगा। अगर आपको वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मंत्रा की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वशीकरण मंत्र आपकी कुंडली और आपके पति की कुंडली चेक करके ही आपको बताया जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।